नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज की जो मेरी लेक्चर वीडियो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक बयान है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है सब झूठ है, सब झूठ है, एन आई ओपनिंग क्लिप बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। तो इसमें उन्होंने किस चीज़ को हाईलाइट किया है कि क्या है सब झूठ, मतलब ये दुनियादारी झूठ है या हमारी इस दुनिया पे लाइफ झूठ है या जिसको हम लोग जिसके पीछे इतना भागते हैं कि जन्नत या दोजख वो झूठ है। तो क्या सच है क्या झूठ है ये हमें तभी पता चलेगा जब हम इस वीडियो को देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने इसमें क्या मेंशन किया है कि क्या चीज़ है जो झूठ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ثم جعلناك على شريعه من الامر, ऐ नबी अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल के बाद हमने आपको एक पुख्ता दीन के ऊपर हुक्म देकर भेजा, फत्तबीअहा, तो ऐ नबी आप इसकी पैरवी करें शरीयत की जो हमने आप पे नाजल की है, वला तत्तबीअहवा الذين لا يعلمون, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं आपने उनके पीछे नहीं चलना, आपने अल्लाह की वही के पीछे चलना। नबी को भी हुक्म है कि उन्होंने अल्लाह की वही के पीछे चलना है, तो बाकी किस खाते में? कुरान में तीन दफा यह आयत आई है, सूरह यूनस में, सूरतुल अनाम के अंदर, सूरह अज़्ज़ुमर के अंदर। قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم, ऐ नबी तुम फरमाओ कि मुझे तो खुद डर है इस बात का कि अगर मैंने भी अल्लाह की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। किसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बातें इसलिए कहलवाई गई, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के महबूब है, सिर्फ इसलिए कहलवाई गई कि ताकि बाद में कोई बंदा तकब्बुर के साथ मामलात को क्लेम ना करना शुरू कर दे कि जी बुजुर्गों तो नमाज की जरूरत ही नहीं, अल्लाह तक पहुंच चुके ना। लोग कहते हैं ना, कहते हैं जी नमाज तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए चाहिए, तो जो अल्लाह तक पहुंच चुके हैं उन्होंने नमाजा माफ ना। ये इसलिए ये बातें बताई गई ताकि कोई तकब्बुर का जुमला ना बोले, डरता रहे। मैंने कई दफा अर्ज किया कि आप देखें शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह की तरफ कितना बड़ा झूठ मंसूब किया गया, वो कसीदा गौसिया एक, जिसके अंदर लिखा है तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है। सर ये जो जुमला है ना कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है, ये कोई मुसलमान नहीं बोल सकता, वली तो छोड़ दे। ये शेख अब्दुल कादर जिलानी पे झूठ बांधा गया, उन्होंने नहीं कहीं कहा, यह कसीदा गौसिया है ही झूठ है, तो उन्होंने नहीं लिखा। अल्लाह का नेक बंदा तो हर वक्त डरता रहता है, वो ये फिरौनी अल्फाज, ये तो फिरौन बोलेगा कि मेरा लोगों के गर्दन पे पांव है। क्या हजरत अबू बकर सदीक ने कहीं बोला ये कि तमाम सहाबा की गर्दन पे मेरा पांव है? सहाबा के सरदार कौन है? अबू बकर सदीक। ये कहते हैं अब्दुल कादर जिलानी औलिया अल्लाह के सरदार है, अगर वो सरदार है तो इस किस्म का फिरौनी जुमला बोलेंगे कि औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है? अस्तग़फिरुल्लाह। ये जुमला बोलते ही बंदा अपने ईमान की फिक्र करे, ये सब का सब फ्रॉड है, ये है ही झूठ है, उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने जो कुछ बोला है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने, उनको किसी ने आके बताया कि अब्दुल कादर ईद का चांद नजर आ गया, उन्होंने कहा मेरी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन मैं अपना ईमान बचा के कब्र में उतर जाऊं। सर जो अल्लाह का वली होता है उसको अपनी फिक्र लगी रहती है, वो इतना अकड़ खून नहीं होता कि लोगों को कहता फिरता है ये सब झूठ है। और जो इंसान अपना पेशाब नहीं रोक सकता कोई जुमला बोल सकता है कि तमाम औलिया की गर्दन में मेरा पांव है? दुनिया का कोई वली, कोई बुजुर्ग अपना पेशाब रोक सकता है? नॉट एट ऑल। अगर कोई है तो आए लाए हमारे सामने पेश करें, पेशाब रोक के बताए कोई इंसान, तो इतना कसपुरसी क्या लोग। इसीलिए देखें कि आप लोग जब बीमार होते हैं आपको उठा के इनके पास ले जाते हैं, और ये लोग बीमार होते हैं तो ये शिफा इंटरनेशनल में इलाज करा रहे होते हैं। आपके जब पीर साहब बीमार होते हैं उनको अस्पताल ना लेके जाया करो, उनको भी फिर किसी मजार पे ले जाया करो ना, नहीं लेके जाते। ये आपको उन्होंने चक्कर चलाए हुए सारे, उनको पता है कुछ नहीं होना। मैं तो जितने बड़े बड़े इधर देखता हूं ना, सबके ऑपरेशन हॉस्पिटल में हो रहे होते हैं, और आम हॉस्पिटल में नहीं, आगा खान हॉस्पिटल में, शिफा इंटरनेशनल में, जिधर हम लोग तो एक दिन की फीस नहीं दे सकते। तो सर ये तो बुजुर्ग है ना, ये क्यों अस्पतालों में इलाज कराते हैं? ये तो लोगों को फूके मार के सही कर रहे होते हैं, अपने आप को भी ठीक करें।
अपना पेशाब बंद होता है, अपने गुर्दे खराब होते हैं, तो ठीक करें ना फूंक मार के, डॉक्टरों के पास क्यों जाते हैं? फिर तो इसका मतलब यह कि डॉक्टर इनसे बड़े बुजुर्ग है ना, जो बुजुर्गों को भी ठीक कर रहे हैं, ठीक हो गया। वो सब अल्लाह के बंदो गेम चलाई हुई है। अल्लाह से मांगे, असबाब इख्तियार करें। दवाई करना सुन्नत है और दवाई पे यकीन ना रखना फर्ज है। असबाब आपने इख्तियार करने हैं, पानी के बगैर प्यास नहीं बुझेगी, ये सबब है। लेकिन पानी पीने के बाद भी कोई गारंटी नहीं किसी की प्यास बुझ जाए। गुनहगार बंदे की मौत का वक्त करीब आता है ना, तो रवायतों में आता है कि उसे अगर समुद्रों का पानी भी पिला दिया जाए ना, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जब अल्लाह ही ने प्यास नहीं बुझने देनी, तो सबब यही इख्तियार करेंगे, लेकिन नजर मुसब्बिबुल असबाब पे। अल्लाह अकबर। इन्नहुम लन युगनु अनका मिन अल्लाह शैआ, ये लोग अल्लाह के मुकाबले पर ऐ नबी अलैहिस्सलाम आपको कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकते। व इन ज़ालिमीन बअदुहुम औलिया बअद, और जालिम लोग बाज़ के दोस्त हैं। वल्लाहु वलीयुल मुत्तकीन, जबकि अल्लाह जो है वो परहेज़गारों का दोस्त है। जिस तरह काफिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अल्लाह ताला भी अपने बंदों को सपोर्ट करता है। लेकिन वो अल्लाह का बंदा बने, फिरौन ना बने। अल्लाह का बंदा कौन होता है? जो लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ता है, जो अपने साथ जोड़े, अपनी इबादत करवाए, अपने सामने झुकवाए, अपने पांव चुमवाए, वो तो अपनी इज्जत करवा रहा है। तिर्मिज़ी में हदीस है, अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल में हम खड़े नहीं होते थे, क्योंकि आपने मना किया था, हम इसको बुरा समझते थे। हजारों सहाबा की मौजूदगी में नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते थे, आपके इस्तकबाल में कोई नहीं खड़ा होता था। यहां एक छोटा सा यानी लोगों का बनाया हुआ बुजुर्ग, जो लोगों के नजराने पे अपनी गाड़ी चला रहा होता है, लोगों के नजराने पे उसकी गुजर बसर हो रही होती है, वो किसी मस्जिद में चला जाए, लोग खड़े होकर नारे मारना शुरू कर देते हैं। और किधर नारे मारे होते हैं? मस्जिद में। घर अल्लाह का है और ताजीम किसकी हो रही है? उस मखलूक की, जो वो नारा मारने वालों के चंदे पे चल रही है। इसीलिए मैं कहता हूं ना, लोगों ने वो गाड़ियों के पीछे लगवाया और लिखवाया होता है ना, निगाह है मुर्शिद, मुर्शिद को भी चाहिए वो अपनी गाड़ी के पीछे लगवाए नजराना है मुरीदीन। आप आज नजराने बंद करें, इनका तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, अक्सरियत का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ना इनके बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, ना ये खुद पढ़े लिखे होते हैं, इनको 10,000 की नौकरी नहीं कहीं मिल सकती, लेकिन स्टेटस वो रोजाना के लाखों रुपए खर्च कर रहे होते हैं। कहां से? आपसे। तो सिर्फ इनको चाहिए ना, जब अपनी गाड़ी में बैठे तो गाड़ी के पीछे लिखे मुरीदीन के नजरानों की बरकत से। आजा बिन फजली रबी ते ना इन्हें लिखना, ना इधे मुरीद ने लिखना है, वो तो तौफीक ही नहीं किसी ने होनी। असल तो ये होना चाहिए हाजा मिन फजली रब्बी। तो अगर इतने मुरीदीन लिख रहे हैं निगाहे मुर्शिद, तो पीर भी लिख दे नजराना मुरीद की बरकत से, जो सच्चाई है। दूसरे वाली तो आई झूठ है निगाहे मुर्शिद के, जिस मुर्शिद में तुसी पाल रहे हो, मुर्शिद तुहानू किसने पाल सकता है? अल्लाह पाल रहा है, अल्लाह दे रहा है। अल्लाह काफरों को भी देता है, अल्लाह मुसलमानों को भी देता है, अल्लाह जानवरों को भी देता है, अल्लाह दरख्तों को भी देता है, सब अल्लाह देने वाला है। अल्लाह तरफ मारा है, वल्लाहु वलीयुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला पुश्त पनाह है परहेजगारों का। हादा बसाइरु लिन्नास, ये लोगों के लिए बसीरत अफरोज बातें हैं, आंखें खोलने के लिए। वहुदं व रहमतुल लिकौमी यूकिनून, और हदायत और रहमत है ये कुरान उन लोगों के लिए जो बात यकीन करना चाहें। जिन्होंने नहीं माननी उनके लिए कुरान में कोई हदायत नहीं। अम हसिबल्लज़ीन इज्तरहु सय्यआति अन नज्अलहुम कल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहाति सवाअम महयाहुम व ममातुहुम, क्या वो लोग जो बुराइयों का इर्तकाब करते हैं, क्या हम उनको वैसा ही बना देंगे कि जो ईमान लाए और नेक अमाल करें, कि यकसा हो जाए दोनों का जीना और मरना? नहीं, दुनिया में भी बादशाह जो होते हैं वो अपने ताबे फरमान बंदों को नवाजते हैं, दुश्मनों को सजा देते हैं। तो अल्लाह ताला माता है, जो मेरे मानने वाले हैं वो, और जो मेरे ना मानने वाले हैं, मेरे ना फरमान, उनको मैं बराबर कर दूंगा, उनकी जिंदगी और मौत बराबर होगी? नहीं, जिंदगी हो सकता है काफिर की बेहतर हो, लेकिन मरने के बाद ईमान वाले और नेक अमल करने वाले के लिए आखिरत में अल्लाह का इनाम है। सा अमा यहकुमून, कितना बुरा हुक्म तुम लगा रहे हो, अगर तुम्हारे दिमाग में कहीं ये बात है कि ये लोग बराबर हो सकते हैं। वखलकल्लाहु समावाति वल अर्द बिल हक, और अल्लाह ने आसमान और जमीन को पर्पसफुल पैदा किया है। वलितुजजा कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत,
ताकि बदला दिया जाए हर जान को जो उसने कमाया। वहुम ला युज़लमून, और किसी पे जुल्म नहीं होगा। ये अल्लाह ने एक लाइन के अंदर मकसद बयान फरमा दिया है कि जमीन उस्मान की पैदाइश का मकसद ये है कि अल्लाह ताला आजमाएगा कौन नेक अमाल करता है, उसके बाद अल्लाह ताला नेक अमाल वाले को उसके अमाल का बदला देगा, बुरे अमाल वाले को उसके अमाल का बदला देगा। अब बड़ी सख्त आयत आ रही है कुरान हकीम की, इस एक आयत पे घंटों बोला जा सकता है। अफराईता मन इत्तखदा इलाहु हवा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया। वह अदल्लहु अल्लाहु अला इल्म, और अल्लाह ने उसके इल्म के बावजूद उसे गुमराह कर दिया। वह खत्म अला समिही व कल्बिही, और अल्लाह ने उसके कानों पर उसके दिल पर मोर लगा दी है। वजअला अला बसरिही, और उसकी आंखों पर गिशावा पर्दा डाल दिया है। फमन यहदीही मिन बादिल्लाहि अफला तज़क्करून, तो बताओ अब अल्लाह के बाद कौन है जो इसको हदायत दे, क्या तुम गौर नहीं करते? जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लला, जिसे अल्लाह हदायत दे उसे गुमराह नहीं कर सकता। वमैं युदलिल फला हादियला, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हदायत नहीं दे सकता। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐसा शख्स जो अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करता है, तो अगरचे उसके पास इल्म भी होता है फिर भी वो बहरा, अंधा और गूंगा हो जाता है, हक बात कबूल नहीं करता, क्योंकि अल्लाह उसे गुमराह रहने देता है कि उसके पास इल्म था उसके बावजूद उसने उस इल्म का फायदा नहीं उठाया। एक बंदे के पास इल्म है कि अगर मैं बिल्डिंग के 10वें फ्लोर से बाहर छलांग लगाऊं तो मर जाऊंगा, ये पता है एक बंदे को, वो फिर भी छलांग लगा देता है, तो फिर क्या होगा? मर जाएगा। यही हाल उस शख्स का है कि जिसको कुरान और सुन्नत का इल्म दिया गया लेकिन उस पर अमल नहीं वो कर रहा। उसे हम कहते हैं कुरान में लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ अल्लाह ही को पुकार। वो कहता है नहीं, मेरे बाबे कहते हैं बाबों को पुकारो। अब इल्म था उसके पास, गुमराह हो गया, अल्लाह की बात नहीं मानी। एक बंदे को बताया भी बुखारी मुस्लिम में नमाज का तरीका रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफल यदैन के साथ लिखा है, नहीं माना। एक बंदे को बताया कि तुम हर महीने 11वीं देते हो, जबकि 11वीं वाले पीर की जो अपनी किताब है गुनियत तालिबीन, उसमें नमाज का तरीका वही लिखा है जो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है। वो कहता है मैंने रफल यदैन नहीं करना। तो जिद का तो कोई इलाज नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो इल्म के बावजूद गुमराह हो जाते हैं। इल्म है, इसीलिए हम अक्सर वो लोग कहते हैं एड्डे वड्डे वो मौलवी नहीं पता लगा, वो पागल ने, तुहानूं पता समझ आ गया। तो उनको बताए, आप जिन उलमा कह रहे हैं इतने वड्डे वड्डे, आपके मुखालिफ अपने उलमा को इतने वड्डे वड्डे कहते हैं और आपके उलमा को जाहिल कहते हैं। बरेलवी देवबंदियों को गुस्ताखे रसूल कहते हैं कि नहीं? तो क्या देवबंदियों के उलमा उलमा नहीं है? और देवबंदी बरेलवियों के उलमा को मुशरिक कहते हैं कि नहीं? तो क्या बरेलवियों के उलमा उलमा नहीं है? सुन्नी शिया के उलमा को, शिया सुन्नियों के उलमा को, अहले हदीस इनको, ये सारे अहले हदीस को गुमराह कहते हैं कि नहीं? हम कहते हैं शायद सारी सही कह रहे हो, लग ऐसा ही रहा है। क्या आप अपने आप को किताबों सुनने के सामने पेश करने के लिए तैयार ही नहीं हो? अगर किसी को बात पता चले वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, मेरे तक बात पहुंच गई, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, मुझे सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि मेरे नबी ने क्या मुझे हुक्म दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी जो उम्मत को देके गए हैं, कोई बाबा नहीं देके गए। हज्जतुल वदा के मौका पे क्या फरमाया? मैं अपने बाद तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। क्या दो बाबे, दो मौलवी, दो शेखुल कुरान, दो बुजुर्ग, दो सूफी? नहीं, कहा अल्लाह की किताब, उसके नबी की सुन्नत, इसको पकड़ोगे हदायत पे रहोगे, इसको छोड़ दोगे गुमराह हो जाओगे। तो दीन तो ये है, एक बंदा आपको कुरान सिखा तो रहा है लेकिन खुद कुरान पे अमल नहीं कर रहा, तो उसका कुरान का सिखाना क्या है? मैं आपको कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दूं, जब आप मुसलमान हो और मैं आपको बताऊं कि ये अल्लाह की किताब है, आप किताब खोल के मुझे कहेंगे आपने मुझे मुसलमान तो किया लेकिन इस किताब में जो कुछ लिखे आप तो उस पर अमल ही नहीं कर रहे, तो आप उसको क्या ये कहेंगे कि मैं तो कलमा पढ़ाया इस वास्ते मैं जो कहूंगा वही सही है, ये कहेंगे? या कुरान को मानेंगे? कलमा पढ़ाना तो अपनी जगह, बुखारी मुस्लिम हदीस है, अल्लाह ताला फासिक से, बदकार शख्स से भी दीन का काम ले सकता है। अगर किसी ने किसी को कलमा पढ़ाया ये उसकी बुजुर्गी की दलील नहीं है। अगर कोई कहता है
आज डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों लोगों को कलमा पढ़ाया, बरेलवी दियोबंदी उसको बुजुर्ग क्यों नहीं मान लेते? फिर तुसी भी झूठ मारने बंद कर दो, 90 लाख नू कलमा पढ़ाया, उदों ते 90 लाख बाद ही कोई नहीं सी। अगर आपने कलमा पढ़ाने को किसी की बुजुर्गी मानना है तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों लोगों को कलमा पढ़ाया ना, तो क्या बरेलवी दियोबंदी और शिया मान लेंगे उसे बुजुर्ग? तो सर बरेलवी दियोबंदी अगर अपने बाबों को कहते हैं इतनों को कलमा पढ़ाया तो तुसी भी अपने बोझे च रखो। फिर वो कहणगे नहीं जी कलमा पढ़ाने नाल क्या होंदा है ते वो बद कीदा है ना, तो सर तुसी भी तुहाडे कलमा पढ़ाने नाल क्या होंदा है, तुहाडे भी अगर बद कीदा ने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? कुरान और सुन्नत से। अल्लाह के नबी के कदमों तक पहुंचो, किसी बाबे के कदमों तक नहीं। इसलिए फरमाया तुम मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अल्लाह की किताब, उसके नबी की सुन्नत, क्यामत तक के लिए दो चीजें। जो इस पे अमल करेगा हमारे सर का ताज है, और जो अमल नहीं करता गुस्ताख रसूल है, असल में गुस्ताख वो है। ठीक हो गया जी, आगे सर। अल्लाह तआला फरमाता है وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, और ये लोग तो काफिर कहते हैं कि बस दुनिया की जिंदगी है, نَمُوتُ وَنَحْيَا, हम इसी में मरते हैं और जीते हैं, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْر, और हमें जो हलाक करता है ना वो जमाने की गर्दिश करती है, यानी जब टाइम पूरा होता है तो हम मर जाते हैं। कोई ये जिंदगी मौत का निजाम किसी खुदा ने कंट्रोल नहीं किया हुआ, ना क्यामत कायम होनी है, नाउद बिल्ला। وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ, हालांकि इनके पास इल्म की रत्ती भी नहीं है। अगर इनके पास इल्म होता तो उनको पता चलता ये निजाम किसी के बनाने से बनाया गया। इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून, बस ये अटकल पच्चू चला रहे हैं। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, जब इन पे हमारी आयात पढ़ी जाती है, बय्यिनात, रोशन आयात, मा काना हुज्जतुहुम, तो ये कोई और हुज्जत नहीं करते सिवाय एक हुज्जत के, इल्ला अल्कालुतु बिआबाइना इन कुंतुम सादिकीन, ये कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो हमारे मरे हुए बाप दादा को जिंदा करके ले आओ, हमारे बाप दादा कब्रों से निकल के ये बात हमें कहें कि नबी अल्लाह का नबी है तब मानेंगे, कुरान को हमने नहीं माना। ये काफरों की दलील थी, और ये सारी काफरों वाली रविश आज भी जारी है। हम किसी को बताते हैं ना कुरान में ये लिखा हुआ है, वो कहते हैं ये जो कब्र में चला गया ना ये तो कुछ और बता के गया, तो ये निकल के अगर हमें कहे, देख लो काफर भी ये कह रहे हैं, तो भाई वो ना ही उन्होंने कब्रा तो बाहर काट सकने, असी तो ही दस रहे जो अल्लाह ने नबी दास के गए कुरान पाक, और क्यामत तक के लिए महफूज सिर्फ अल्लाह की किताब है, किसी किसी बुजुर्ग की तालीमात भी महफूज नहीं है, इतने झूठ बुजुर्गों के ऊपर बांधे गए हैं। इसीलिए कुरान पाक में कई जगह आया कि बुजुर्ग क्यामत वाले दिन खुद अपने मानने वालों के दुश्मन हो जाएंगे। 2 अरब ईसाई कह रहे हैं हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो हजरत ईसा इन लोगों के दुश्मन बनेंगे कि नहीं? क्योंकि हजरत ईसा की तो ये तालीमात नहीं है। शेख अब्दुल कादर जिलानी की कई तालीमात नहीं कि आपको अल मदद या गौसे आजम दस्तगीर शैयन लिल्ला, कहीं उनकी तालीमात नहीं, तो शेख अब्दुल कादर जिलानी दुश्मन बनेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम की कई तालीमात नहीं है कि तुम मुझे या अली मदद कह के पुकारो, उनकी तालीमात यही है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौला अली भी अल्लाह को पुकारते थे, मौला अली का मानने वाला भी वही होगा जो अल्लाह को पुकारेगा। तो अल्लाह तआला माता जब ये हुज्जत करे तुम इनको कहो وَلِلَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, अल्लाह तुम्हें जिंदा करता है वही मौत देता है, ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, फिर क्यामत दिन भी वो तुम्हें जमा करेगा, لَا رَيْبَ فِيهِ, जिسमें कोई शक नहीं है, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से नवाकिब है। अल्लाह ने फरमाया कि भाई ये बता दो कि अल्लाह में और बाकी हस्तियों में यह फर्क है कि वो जिंदगी और मौत देते हैं, तो ले आओ उनको। अल्लाह के अलावा कोई जिंदगी और मौत दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर कोई कैसा कहता है कि दे सकता है, और जनाब किस किस किस्म के झूठ, यानी इन्होंने, यानी वो जी शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक डूबी हुई बारात जो है वो मरने के इतने साल बाद जिंदा कर दी थी। अल्लाह के बंदो तौबा करो, कुरान पाक में सूरह अंबिया का पहला रुकू है, 17वां पारा पहला सफा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर कहते थे, तुम हमें ये कहते हो ना अगले नबियों के ये मोर्चे के मुर्दा जिंदा करते थे, तुम हमें मुर्दा जिंदा करके बताओ फिर नबी मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे फरमा दो कि मुर्ज़ात अल्लाह के पास है, वो कोई मुर्ज़ा इस किस्म का नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई मुर्ज़ा नहीं कभी जिंदा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र आता है, क्योंकि उनका मुर्ज़ा वो था, हमारे नबी का मुर्ज़ा कुरान है, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम का मुर्ज़ा आसा था। वैसे आप के बहुत मुर्ज़ात हैं बुखारी मुस्लिम में, कि मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए, मुबारक दुआ से चांद दो टुकड़े हो गया, मुबारक पसीने से खुशबू आती थी, ये मोजज़ात हैं, मुर्दा जिंदा करने वाला नहीं है।
तो ये बाद के लोगों के बारे में आप क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मुर्दे जिंदा किए, आज भी ले किसी को जो कहता है ना मुर्दा जिंदा कर सकता है, तो हम उसे शहीद कर देते हैं उसकी इजाजत से वो अपने आप को जिंदा करके बताए। हजरत ईसा ने भी जो मुर्दे जिंदा किए ना, वो ये नहीं थे कि वो कब्र से निकाल के चलना फिरना शुरू कर देते थे, सिर्फ उस वक्त चूंकि तिब बड़े जोर पे थी मेडिकल, तो अल्लाह ताला ने उनकी मेडिकल को फेल किया कि कोई मेडिकल कोई डॉक्टर किसी मुर्दे को नहीं जिंदा कर सकता। अल्लाह ने आया उन मेरा नबी ऐ जेड़ा मुर्दा जिंदा करेगा, और वो सिर्फ इतना होता था कब्र पे गए मुर्दे को जिंदा किया, वो मुर्दा कहता था कि हजरत ईसा अल्लाह के नबी, वापस चला जाता था, बस इससे ज्यादा नहीं था जिंदा होता ना। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 95 है, जो एक दफा दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आ सकता, नॉट एट ऑल, गया दुनिया में वापस नहीं आ सकता। अगर ये बात होती तो हजरत फातिमा रोती रोती फौत क्यों हो गई 6 महीने के अंदर कि मैं अपने बाप का चेहरा अब दोबारा नहीं देख सकूंगी। हजरत आयशा हुजूर की लाडली तरीन बीवी नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद 47 साल तक जिंदा रही है, और किधर जिंदा रही है, उसी कब्र वाले हुजरे के साथ कमरे में। मैं कहता हूं कोई एक रवायत दिखा दे कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की कभी जियारत की हो कब्र के ऊपर। आज लोग कहते हैं हमारे घर में आ जाते, कूड़ मारने छोड़ दो अल्लाह के बंदे हो, झूठ। सबसे ज्यादा अगर कोई हकदार था तो हजरत फातिमा थी, हजरत आयशा थी, मौला अली थे, उनसे कोई आपको बात नहीं मिलेगी। ये जितनी आपको बातें बताते हैं ना सारी बुजुर्ग बाबू से बताते हैं, आपको हजरत अबू बकर की करामत नहीं बता रहे होंगे इस किस्म की, तो क्या होती नहीं है करामत। हम मानते हैं करामत सिर्फ यह है कि किसी की दुआ की बरकत से कुछ हो जाए, मर्जी अल्लाह की, को करके नहीं दिखा सकता, को करके दिखा सकता है तो मैंने कई बार चैलेंज किया है, कोई जिंदा या मुर्दा बुजुर्ग मैं अपना इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं, देख के पढ़ के बता दे। वो जिनको चैलेंज दे रहे होते हैं वो कहते हैं नहीं यार है नहीं पढ़ सकते हो, अल्लाह तो पढ़ सकता है ना, मैं अगर कोई फार्मूला लिखूं अल्लाह तो पढ़ सकता है ना। अगर आप मानते हैं कि अल्लाह उनको पढ़ाता है, अल्लाह उनको सब कुछ अल्लाह देता है, तो पढ़ ना फिर। और मैं तो इससे बड़ी बात करता हूं, इनकी आप नमाजें सुने, ये नमाज भी सही नहीं पढ़ते होते। मैंने कई लोगों की नमाजें सुनी है, नमाज गलत पढ़ रहे होते हैं। अय्यू नबी को मैंने बताया ना, इधर एक बहुत बड़े पीर साहब थे जेल में, मैं नाम नहीं लेता, एक दिन मैंने उनकी नमाज सुनी, हम वो भी शुगल मिले में बैठ गए नमाज सुनाने के लिए, नमाज में पढ़ रहे अस्सलाम वालेका हय्यू हन नबीयू, मुरीद हजारों है जिनको उन्होंने जन्नत में लेके जाना है, नमाज हय्यू हन नबीयू 25-30 बंदों की मौजूदगी में। और भी बड़ी गलती थी, ये मोटी सी मुझे याद रहेगी, मैं कह ये क्या पढ़ रहे हैं, वो बचपन से नमाज याद की थी उसी तरह चल रही थी, बाकी आईन हाथ तो है ही कोई नहीं था ना, वो तो छाट ही दो, वो तो मैं गाल ही नहीं, मैं जबर जेर की गलतियां हय्यू हन नबीयू। और ये वो है जो कह रहे हैं असी जना तो बेड़ा तार देना, नमाज नहीं आती दावे। मेरे पास कई लोग आते हैं नहीं वो हमारे सिलसिले में बैत हो जाए, मैंने कहा आपका पीर मुझे सिर्फ ये 17 अज़कार जो फर्ज नमाज के बाद कहे ना वो मुझे जुबानी सुना दे, मैं बैत हो जाऊंगा। आज तक दुनिया का वो पीर सामने नहीं आया, 17 अज़कार है फर्ज नमाज के बाद। लोगों कितने आते हैं 4 या 5, आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मंत सलाम, तो गिनती मुक जानी है 5 तो बाद। ऐसे 17 अज़कार लिखे हुए ग्रीन कार्ड पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, दुनिया के किसी पीर को नहीं आते हैं। वो 24 अज़कार ब्लू कार्ड पे लिखे हुए हैं जो सुबह शाम के अज़कार हैं नबी अलैहिस्सलाम के, कितनी कितनी मुश्किल दुआएं हैं बुखारी मुस्लिम में, किसी पीर को नहीं आती है। मैं इससे बड़ा चैलेंज कहता हूं ये देख के पढ़ के बता दें, ये इतनी मुश्किल अरबी है कि जिसने पहली दफा पढ़ी हो वो इसको एक दफा पढ़ के सही पढ़ ही नहीं सकता, अभी तक तो सारे फेल हुए हैं। तो फिर ये कहना कि हम लोगों को नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचाते हो, तुसी आप तो पहुंचे कोई नहीं हो, अल्लाह दे बंदे हो, नबी अलैहिस्सलाम तक वो पहुंचा हुआ है जो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पे है, जो आपने फरमाया, जो आपने वजीफे बताए हैं, बाकी तो आपके खुद साख्ता चीजें हैं, वो जिस तरह हिंदुओं के मानने वाले अपने को करते हैं, आपके मानने वाले आपको सिखा रहे, नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम जो कुछ देखे गए वो ये मौजूद है इसमें, वो इस कुरान के अंदर है, बाकी सब कुछ आपके बाबों ने आपको दिया, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो गया जी। और वैसे बाबों के ऊपर कोई नाराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे एक दूसरे के बाबों को नहीं मानते। जब सारे एक दूसरे को नहीं मान रहे हैं तो हम कह रहे हैं सारे ठीक कह रहे हो, किसी के भी ना मानो, एक बंदे को अपना इमाम बनाओ, इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तस्लीमन कथीरन कथीरा। ठीक हो गया जी।
आई थॉट कि शायद ये कुछ ऐसे कोई जेनरिक बात होगी जिसको बताएंगे कि ये सब झूठ है, कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कुछ आई थॉट कि पता नहीं कि सब झूठ है क्या मेंशन किया गया होगा, बट इन्होंने कुरान हदीस के ही कुछ आयतें हैं जिनको हाईलाइट किया है और उसमें कुछ वर्ड हैं जो लोग कुछ और समझते हैं बट उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की पहले भी कई वीडियोस देखी हैं, तो वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और सेकंड चीज़ जो है कि एक और मुझे इनका प्लस पॉइंट लगता है कि अगर किसी इंसान ने किसी एक सुरह को मिस इंटरप्रेट किया या उन्होंने एग्जैक्टली उस सुरह का क्या मीनिंग था उसको वो गलत किसी और तक पहुंचा रहे हैं या उसको खुद भी अच्छे से नहीं समझ रहे, तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और ये बात तो सच है, हम सबको पता है कि इस दुनिया को चलाने वाला एक वही खुदा है, वही रब है और उसने ही ये पूरी कायनात बनाई है। उसको हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। हर बंदे का यही मानना होता है कि इस दुनिया को जो बनाने वाला है वो एक ही रब है, एक ही परमात्मा, खुदा, भगवान, जिस भी नाम से वो उसको एड्रेस करें। लेकिन अल्टीमेटली ये ज़रूर हर इंसान मानता है कि इस दुनिया को जो चला रहा है वो एक ही सुप्रीम पावर है। तो सेम चीज़ इस वीडियो में भी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी बीच बीच में हाईलाइट की थी कि जो खुदा हैं उन्होंने ही दुनिया को बनाया है, वही हैं जो पेड़ पौधों इंसान को वही देने वाला है। तो ये बात तो सच है, उस खुदा की अगर उस रब की मर्जी है तो वो सबको दे देता है सब कुछ, और अगर उनकी मर्जी नहीं है तो वो किसी इंसान को कुछ भी नहीं देता। बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी लोगों को कुछ नहीं मिल पाता। तो बहुत अच्छे से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी मेंशन किया है इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।